अरे यार, से रात की ड्यूटी चालू, नाइट शिफ्ट चालू हो गई। हे भगवान, ये कब खत्म होगी नाइटें मेरी। 10 नाइटें लगी हैं, 11 तारीख से नाइट शुरू होगी, 20 तारीख तक चलेगी। अब मेरे रात की ड्यूटी करके ना पूरा शरीर खराब हो जाता है, पूरी आपके डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, मतलब पूरा माइंड सेटअप खराब हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह के 11 बजने जा रहे हैं और अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी अभी AC चालू किया है। अभी ठंडी ठंडी हवा रही है तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है। और यहाँ देखो मम्मी क्या कर रही हैं बिट्टो के साथ में। क्या कर रही है बिट्टो को, हैं? बिट्टू गले में चिपकी है और क्या करेंगे। पहले उसे मारती हैं, फिर उसके बाद उसको चिपकाती हैं, नाखून नहीं शैतान कटवाती। हाँ, है, नाखून नहीं कटवाती है, चीटती है। मलाई भी खा ली सुबह सुबह उठ के, और देख, लड्डू खा लिया, वो अलमारी से लड्डू लेके खा गई। छोड़ लड्डू खा गई, मलाई खा गई, दूध और रोटी मीट के खा दी। दो बिट्टो को अब, नहीं हैं? छोड़ दो छोड़ नहीं दो छोड़ना, छोड़ दो इन्हें पकड़ के रखना, इन्हें बांध के रखना। ना ना बिच। बैठे रहते, हमें 11 बज के कोई नाश्ता नुश्ता का इंतजाम कर लो कुछ। बताओ मैं नाश्ता बनाऊं। नाश्ता क्या बनाऊंगी अब तो 11 बज गया, नाश्ता का टाइम है। यार, खाने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। ये मौसम ऐसा है या भूख नहीं लगती, पता ही नहीं कुछ ये। सवेरे चलेंगी भागी हुई पीछे अच्छा हाँ, ये भागती बहुत ज्यादा, ये घर से पता नहीं क्यों चली जाती है। और आई इनके पीछे बिल्ला नहीं, कुत्ती, बिल्ला जो इनके ये दो घर छोड़ के ये बिल्ले पले, उनके साथ ये खेलने को करती है, इस करके ये भाग लेती है। कुत्ती आई और दौड़ी, तब ये भाग के घर में घुसी। ये इसका डब्बा खाली हो गया, हमें और अब थोड़ा सा खाना रह गया बस, कितने का मंगाना आया था पड़ेगा। ये 1 किलो का? 1 किलो का आया था मेरा ख्याल, 500 रुपये का था, 500 या 400 ऐसे कुछ था। कुत्ता ले जाएगा, ना ना, अरे ले बहुत जाएगा ऊंची कुत्ता, छलांगे मारती है, ले जाएगा, आपको पता नहीं ले नहीं है? जाएगा, एक आम मिलती है, एक अरे ये बहुत ऊंची छलांग मार लेती है, भागती इतनी स्पीड में ना कि हाथ में नहीं आती है, ये नहीं पकड़ में आएगी। कैमरा देख रही है। शर्मा इधर रही है इधर बेचारी, इधर बेचारी इधर शर्मा रही है, शर्मा रही है। इधर रहन दो देख, रहन दो रहन दो, शर्मा इधर रही है। देख, इधर छोटी सी देख, प्यारी सी बच्ची है, छोटी सी मछली देखो उसने कहाँ पे रखी हुई है। अरे मछली पैन तो कहाँ रख देती दाना मछली अपनी? वो ले जाती, उठा जाए यही। पायदान छोटा है वो फाड़ अरे उस ए टाइम काटा ही है, हमने मारी डाल। छोड़ दो, क्यों गुस्सा चढ़ा रही है उसको? रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो। वहां कहाँ जा रही है? आ जा नीचे, आ नीचे चले, आ जा आ जा, बैठ जाए यहीं पे, अब बैठी रहना यहीं पे। अब तू आया ना नीचे, फिर देख लेना तू। तो मम्मी ऊपर चली गई, ऊपर वाली छत पे बैठ गई। आई नहीं, ना आई नहीं, उसको मैं बुलाता रह गया, आई नहीं, सीधा ऊपर चली गई, ऊपर वाली छत पे बैठी है, धूम में बैठी है, धूम में रूठ गई है अपन से, उसको थप्पड़ मारे ना अपने, इस करके रूठ गई वो। नहीं। ले मम्मी ने तो खाना भी चालू कर दिया, दूध रोटी और साथ में गुड़ इसमें डाल दिया है। आप तो खा लिया, मेरे लिए क्या बनाऊंगी फिर? जो खाओगे बना रहे। अरे यार, से रात की ड्यूटी चालू, नाइट शिफ्ट चालू हो गई। हे भगवान, ये कब खत्म होगी नाइटें मेरी, कब मुझे नाइटों से छुटकारा मिलेगा अब। 10 नाइटें लगी हैं, 11 तारीख से नाइट शुरू होगी, 20 तारीख तक चलेगी। अब मेरे को 10 दिन कंटिन्यू उल्लू की तरह जागना पड़ेगा मेरे को, अब बहुत मुश्किल है मैं नाइटें करने से। ये बात है, रात की ड्यूटी करके ना पूरा शरीर खराब हो जाता है, पूरी आपके डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, मतलब पूरा माइंड सेटअप खराब हो जाता है, पेट को पता नहीं लगता हमने कब खाना है, कब क्या करना है, कुछ नहीं पता लगता रात की ड्यूटी में। बस वहां रात को जागते रहो और सुबह में आके घर में आके सो जाओ, ना दिन का पता लगता है ना रात का पता लगता है कि दिन में क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता लगता। बस काम करो आओ, काम करो आओ, यही होता रात की शिफ्ट में। सो मेरे को ना ये रात की शिफ्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो पता नहीं अब मेरे को कब छुटकारा मिलेगा ये रात की ड्यूटी से। मैं तो कहता हूँ ये तो आ गई ऊपर से, बस काटेगी, बस 5 मिनट का उठना होता है इसका। ले देखो खा देखो रही है, खा रही है, काटेगी, हमें मारा था इसने। हाँ खा रही है, क्यों 5 मिनट का उठना होता तेरा बस? ओए भाग गए, डर गए डर गए। हम इस घर में आके सारे शैतान हो जाते, ये बिल्ली का बच्चा आया वो भी शैतान हो गया, जो भैंस का बच्चा आया वो भी शैतान हो गया, वो अपनी मतलब कूटा खोल के दूध पी लेता अपनी मम्मी का सारा और क्या, है, हाँ दूध पी लेता, बताओ भैंस का बच्चा कितना शैतान है। यानी कह रहा था कि मुंह से रस्सी खोल के और जाके दूध पी लेती है, अपने आप ही दूध पी लेती अपने है, यहाँ पी लेती है, और कल तो पूरा पी लिया, बिल्कुल नहीं निकला दूध। मतलब सारे शैतान बच्चे आते हैं इसी और घर में। क्या खुजली क्यों कर रहे हैं इसके, वो करवाती है, इतना करवाती खुजली है? और क्या, देखो अरे नहीं रहने देखो, दो, ना 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 ना, लड़वा रही है अभी ये, पुच्ची पुच्ची कर रही है मेरी। ले अपना दही खा ले, ले ले दही खा, खा ले दही, खा ले खा खा ले ले दही, खा ले। ये खा ले, नहीं खाएगी दही, नहीं खाएगी अब मैं, नहीं खाएगी वहाँ। आफरी है। सुबह सुबह इसने खूब ज्यादा मलाई खा ली, लड्डू खा लिया और दही भी खा लिया, साथ में अपने ये खाना भी खा लिया, फीड भी खा ली इसने, अब कितना कुछ खाती रहेगी। पता
बेचारी मार खाती रहती सारी दिन। चार्जिंग पे लगा दो मैं इसकी मछली, तो खेलती रहेगी आराम से ये। हैं खेलेगी क्या? सुन लिया इसने, इसमें दवाइयाँ सलाई आयुर्वेदिक, इसमें जुकाम हो झंझड़ा हो जो बताते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो घर पे बना के पी लो सारा ठीक हो जाता। देसी दवाइयाँ ये अंग्रेजी दवाई खा के जुकाम बीमारियाँ बन जाती हैं, कफ बलगम बन जाता है, जम जाएगा भी निकलेगा नहीं। मैं ये सुन रही हूँ अम्मी, अब चाय बना लो कि नुक्से देखते रहेंगे अब? हैं नुक्से भी देखने पड़ते हैं भाई। अच्छा सर्दियां अभी आने को टाइम है, अभी खांसी जुकाम अभी किसी को नहीं हो रहा? अभी नहीं हो रहा, क्या पता अचानक ही हो जाता है, होता क्यों नहीं, मौसम चेंज होगा तब होगा जाके। मौसम चेंज तो अभी तो फिलहाल अभी गर्मी पड़ रही, कहाँ हुआ मौसम चेंज अभी तो? होगा अब होने वाला है। अच्छा तो चलो फिर चाय बना लो, कम से कम भूख लग रही, देखो 11:30 हो गया अब।